हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद दिस बुक दैट इज़ योर ब्रेविया, फंडामेंटल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर नरेशन दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सो यू विल ओपन द बुक ऑन पेज नंबर एट पेज नंबर 150. पेज 150, दिस इज़ योर टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच. So we are going to begin with the rules, how to change direct speech into indirect speech. All these things we have read in our practice book also. So we will pay attention towards the rules only. The reporting verb and the reported speech. Ek sentence mein reporting verb or reported speech क्या क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. स्टडी द सेंटेंस. ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन. यू हैव रिटन अ लेटर टू मी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड. सो दिस पार्ट ही सेड टू मी, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. कौन कह रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब. And this part, you have written a letter to me, जो within inverted commas है उस part को बोलेंगे reported speech. क्या बात कही गई है, कौन सी बात report की गई है, बताई गई है. The words of speech kept within the inverted commas are called the reported speech. The words outside the inverted commas are called the reporting verb. तो जो वर्ड्स विद इन इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको तो हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो वर्ड्स आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये तो हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच. जो इससे पहले रह गए या इसके बाद में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं है उस पार्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. सो जनरल रूल्स, सॉरी, द रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी हैज़ थ्री पार्ट्स. अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट आपका है ही, जिसने बात कही, और फिर उसके बाद सेड है या सेड टू है, कहा, इससे हमें टेंस पता चलता है कौन से टेंस में बात हुई है. और मी किसको कहा, ये स्पीकर, ये टेंस बताएगा उसने कब कहा, और ये लिसनर. ओके, जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जनरल रूल्स, चेंज इन प्रोनाउंस. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो प्रोनाउंस होते हैं, यू, मी, ओके, तो ये प्रोनाउंस हैं, इनको कैसे चेंज करते हैं. व्हाइल कन्वर्टिंग द रिपोर्टेड स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर चेंज्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमास चेंज एज पर द फॉलोइंग मेथड. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले प्रोनाउंस को इन मेथड से चेंज करते हैं. नंबर वन, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस. आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हैं, आई सिंगुलर, वी प्लूरल, तो आई, माई, मी, वी, अवर, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब इस पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है ये, और इस पार्ट का ऑब्जेक्ट है ये. सब्जेक्ट मीन्स स्पीकर, ऑब्जेक्ट मीन्स लिसनर. तो इस पार्ट में अगर आई, माई, मी, वी, अवर, अस, जैसे ये मी है, तो इसको अगर चेंज करना है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन are changed according to subject of the reporting verb. Second person pronouns, second person you, okay, तो second person pronouns होते हैं you, your, you. Second person pronouns are changed according to the object of the reporting verb. Reporting verb में ये subject है he और ये me object है, तो inverted commas के अंदर जैसे अभी बताया कि I, my, me, वी, अवर, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर यू, यूअर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन्स है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है. एंड द थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स डू नॉट चेंज. और अगर
ही शी इट दे इनमें से कुछ भी है. ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम दे आर नॉट चेंज्ड दे डू नॉट चेंज उनको चेंज नहीं करते. अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इनमें से कुछ भी है तो नो चेंज. फाइन कम टू द नेक्स्ट पेज. चेंज इन टेंसेस. अब टेंसेस में कैसे चेंज करना है. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वही फर्स्ट पार्ट किसने किसको कहा अगर वो आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है. द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज. तो डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन होगी उसका जो टेंस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा. हाउएवर चेंज इन प्रोनाउन टेक्स प्लेस एज पर रूल. लेकिन बाकी वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन वाले चेंजेस जरूर होंगे सिर्फ टेंस चेंज नहीं किया जाएगा. ओके सेकेंड पॉइंट द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज सम जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ. अगर उस पार्ट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जनरल या यूनिवर्सल ट्रुथ कोई बताया गया है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता. नेक्स्ट वन नंबर थ्री इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है इन्वर्टेड कॉमास से पहले ही सेड टू. ओके इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो पार्ट है अगर वो पास्ट टेंस में है तो ये रूल्स अप्लाई करने हैं. अगर वो पास्ट टेंस में है तो इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं वाज वर्ब को हैड बीन में मे को माइट में. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट है तो वो भी पास्ट परफेक्ट. अगर हैज हैव होगा तो हैड में चेंज होगा विल शेल होगा तो वुड या शुड में चेंज होगा. बट हम प्रिफर करते हैं कि वो वुड में ही चेंज होगा चाहे विल है चाहे शेल है. शुड हम तभी लगाएंगे जब हमें चाहिए वाली सेंस का कोई सेंटेंस देना है. शुड का मीनिंग ही चाहिए होता है ये मॉडल्स की तरह यूज होता है. तो विल या शेल को हम वुड में ही चेंज करेंगे. ओके अगर उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चाहिए वर्ड आना चाहिए तो शुड लगा देंगे अदरवाइज वुड ही रखेंगे. चाहे विल को चेंज किया चाहे शेल को वुड में ही चेंज करेंगे. कैन होगा तो कुड में चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और सिंपल पास्ट जो कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ये जनरल रूल्स हैं आपके टेंस कैसे चेंज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का. बाकी चीज़ें हमारे पास चेंज करने की ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं. देन आपके इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं चेंजेस इन द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस. टाइम एंड प्लेस जो शो करती हैं उन एडवर्ब्स को कैसे चेंज करना है. दिस को दैट में चेंज करते हैं दीज को सॉरी हियर को देयर में नाउ को देन में टुनाइट दैट नाइट यस्टरडे द प्रीवियस डे एगो बिफोर में चेंज करते हैं दीज दोज में चेंज करते हैं हेंस देंस में. हेंस मीन्स इस प्रकार देंस मीन्स उस प्रकार. टुडे दैट डे में चेंज होता है टुमारो द नेक्स्ट डे में. और अगर द नेक्स्ट के साथ कोई वर्ड है या खाली नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक द नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर तो उसको द फॉलोइंग वर्ड लगाएंगे द फॉलोइंग वीक द फॉलोइंग ईयर द फॉलोइंग मंथ. ओके नाउ चेंज इन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस में कैसे चेंज करेंगे. वाइल कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच द प्रोनाउन विद इन इन्वर्टेड कॉमास चेंज एज पर द फॉलोइंग मेथड्स जो अभी हमने पिछले पेज पे ये तीन मेथड्स किए थे. फाइन सी अगेन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई वी माई अवर मी एक्सेट्रा. मैंने आपको सिंपली बताया आई माई मी वी अवर अस. ओके आई वाले सारे आई माई मी और वी अवर अस ये सारे प्रोनाउंस हैं आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस. इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और
the speaker of the reporting verb. For example, he says, कौन है speaker? He. उसने कहा, I love my family. मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ. ये मैं कौन है? He है ना? उसने कहा कि वह he अपने परिवार से, किसके? He के परिवार से प्यार करता है. He says that he loves his family. Okay? The second person pronoun you, your. Second person pronoun जो है you, your, yours. Okay? So these are changed according to the object of the reporting verb or the listener of the reporting verb. तो you, your अगर inverted commas के अंदर आएंगे उसको object के according या listener के according change करना है. For example, she said to me, you have done your duty. She told me that, she ने तो me को you कहा ना, she ने मुझसे कहा तुमने अपना कार्य कर लिया है. तो शी ने मुझसे कहा कि मैंने अपना कार्य कर लिया. ठीक है, मैं जब बता रहा हूँ तो शी टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई ड्यूटी. इन दिस वे ऑल द एक्सरसाइजेज विल बी डन. इज दैट फाइन? सो इन रूल्स को आप ध्यान रखेंगे एंड देन लेट अस स्टार्ट डूइंग आवर एक्सरसाइज फ्रॉम योर ब्राविया बुक. Come to worksheet number 75. Worksheet 75 ओपन करेंगे आप अपने ब्राविया बुक में, जो आपकी ब्राविया बुक ये वाली है, देवज्योति ब्राविया. ओके, तो इस बुक को आप वर्कशीट 75 ओपन करेंगे. वर्कशीट 75 रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड रिपोर्ट द सेम फिलिंग इन द ब्लैंक्स. राइट योर सेंटेंसेस इन द स्पेसेस गिवन बिलो. इस तरह की एक्सरसाइज आपके आ सकती है. तो इसको ये पैराग्राफ गिवन है, इसमें ब्लैंक्स गिवन है, इस कन्वर्सेशन के बेस पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है. इस टाइप की एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाती है आपके लिए. ओके, मेन चेंजेस ही इसमें डालने पड़ते हैं. मनोज, माय फादर हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट मी अ बाइक ऑन हिज बर्थडे. स्पीकर कौन है? मनोज. मनोज ने कहा, और किसको कहा? प्रभात को बताया. मनोज ने क्या कहा? माई फादर हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट मी अ बाइक ऑन माई बर्थडे. किसके फादर हैं? मनोज के. माई फादर, किसका बर्थडे है? मनोज का. ओके, प्रभात, ओ इट इज वंडरफुल न्यूज. तो वो एक्सक्लेम करता है कि ये तो वंडरफुल न्यूज है. मनोज, वी विल गो ऑन अ लॉन्ग राइड द डे आई गेट इट. जिस दिन मुझे मिलेगी उस दिन हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे. वी कौन है? कौन जाएंगे लॉन्ग राइड पे? मनोज और प्रभात. ओके, जिस दिन किसको मिलेगी बाइक? मनोज को. फाइन, मनोज इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड प्रभात दैट. मनोज ने अपने फ्रेंड प्रभात को बताया कि किसके फादर? मनोज के. हिज फादर, अब हैज थर्ड फॉर्म है. हैज हैव को किस में चेंज करना है? रूल के अकॉर्डिंग याद है, हैज हैव चेंजेस इनटू हैड. दैट हिज फादर हैड डिसाइडेड टू गिफ्ट. किसको गिफ्ट करना है? मनोज को. टू गिफ्ट हिम अ बाइक ऑन, किसके बर्थडे पे? मनोज के बर्थडे पे. ऑन हिज बर्थडे. मनोज इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड प्रभात दैट हिज फादर हैड डिसाइडेड टू गिफ्ट हिम अ बाइक ऑन हिज बर्थडे. बर्थडे इज गिवन. ओके, प्रभात वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड दैट. प्रभात वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड दैट. प्रभात बहुत खुश हुआ और उसने कहा दैट. इट को इट रखेंगे. इट इज को किस में चेंज करेंगे? इज एम आर चेंजेस इन टू वॉज वर. इट वॉज दैट इट वॉज वंडरफुल न्यूज. मनोज टोल्ड प्रभात दैट. अब मनोज ने प्रभात को क्या बताया?
वी, मनोज ने अपने को और प्रभात को वी कहा है, और हम इन दोनों को क्या कहेंगे, दे, कि वे दोनों. ओके, मनोज टोल्ड प्रभात दैट दे, विल को किस में चेंज करेंगे, यस वुड में, दैट दे वुड गो ऑन अ लॉन्ग राइड द डे, किसको मिलेगी बाइक, ही मनोज को, दैट दे वुड गो ऑन अ लॉन्ग राइड द डे ही, फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म, गॉट इट, द डे ही गॉट इट. फाइन, यू मे राइट दिस दीज सेंटेंस दीज वर्ड्स इन योर ब्लैंक्स, और यू मे री राइट द पैसेज हियर ऑल्सो. सी द नेक्स्ट वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. मदर सेज, आर यू रेडी, द बर्थडे पार्टी इज एट 6 PM. सन सेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग. मदर, व्हाट डू यू मीन. सन, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स देयर, आई विल गेट बोर्ड. द मदर आस्क्ड हर सन, अब क्वेश्चन वर्ड है, आपको पहले भी रूल्स में बताया गया था, अगर आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंस है तो दैट लगता है. ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इफ लगता है, और अगर आपके WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनके साथ WH क्वेश्चन वर्ड सेम रहता है, इफ नहीं लगता. यहाँ पे हम इफ लगाएंगे. द मदर आस्क्ड हर सन, इफ लगाने के बाद इस सेंटेंस को हम सिंप्लीफाई कर देंगे. आर यू रेडी को हम यू आर रेडी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. इफ लगा दिया, इफ यू कौन है, सन, यू कौन है, सन, तो सन ही, इफ ही, उसके बाद इज एम आर को यहां ले जाएंगे, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर, और ही के साथ वाज, इफ ही वाज रेडी, और इसको हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे. मदर आस्क्ड हर सन, द मदर आस्क्ड हर सन इफ ही वाज रेडी, और आगे जो सेंटेंस है एंड से जोड़ रखा है, एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द बर्थडे पार्टी वाज एट 6 PM. द सन रिप्लाइड, फुल स्टॉप एंडिंग सेंटेंस है. ओके, द सन रिप्लाइड दैट, आई कौन है, सन, दैट ही, इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर, यस, दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एंड ही वाज नॉट गोइंग, गिवन है, आई एम नॉट गोइंग एंड ही वाज नॉट गोइंग. द मदर, उसके बाद मदर ने ब्लैंक छोड़ दिया आगे, द मदर, मदर ने उससे पूछा, क्वेश्चन है ना, तो पूछा, आस्क्ड, द मदर आस्क्ड, डब्ल्यू एच कैटेगरी वर्ड है तो वट का वट रहेगा, द मदर आस्क्ड वट, आगे जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डू यू मीन को यू और मीन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, डू डज जो है वो क्वेश्चन वर्ड है. ओके, यू मीन वट, यू कौन हो गया, डू डज को हटा देंगे क्योंकि ये डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है ना, मीन, तो डू डज हटा देंगे और मीन को हम चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में. वट ही मेंट, वट ही, MEANT, वट ही मेंट, द मदर आस्क्ड वट ही मेंट. The son replied that he would not go as he did not have any friends there and he would get bored. So you will be able to do this also. Fine.